दोस्तों स्वागत है आप सबका एक और व्लॉग में। और इस व्लॉग में आज मैं आपको दोबारा दिखाने के लिए लेके आया हूँ शाहकुली खान के मकबरे का पार्ट टू। तो दोस्तों पिछली बार हमने इसमें बताया था कि शाहकुली खान के मकबरे को अंग्रेज़ों ने अपना घर बना लिया था, लेकिन क्यों बनाया था दोस्तों, इसके क्या कारण थे। तो चलिए फिर से एक्सप्लोर करते हैं इस जगह को और बताते कि क्यों। तो हम पहुँच गए हैं शाहकुली खान के मकबरे पर, और अभी मकबरे के सामने आप देख सकते हो ये बिल्डिंग बनी हुई है, ये भी मकबरे का एक हिस्सा है। और अभी मकबरे की तरफ ऊपर भी चलेंगे। ये दोस्तों देख सकते हो आप सामने जो आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है, ये शाहकुली खान के मकबरे का ही एक हिस्सा है। और इसके मैं दूसरी तरफ आपको दिखाऊं, ये शाहकुली खान के मकबरे की सीढ़ियाँ जो ऊपर की तरफ उसके मकबरे की तरफ जाती है। तो चलिए ऊपर की तरफ चलते हैं और आपको दिखाते हैं शाहकुली खान का मकबरा और अंग्रेज़ों ने इसे अपनी अय्याशी का अड्डा क्यों बनाया था। तो दोस्तों इसकी बहुत सारी वजह, चलते ऊपर की तरफ तो आप देख सकते हो काफ़ी ऊपर ऊंचाई की तरफ ये बना हुआ है। और सामने जो है शाहकुली खान का मकबरा है, और ये शाहकुली खान के मकबरे की तरफ का चारों तरफ का हिस्सा है। इसकी जो सबसे बड़ी वजह थी दोस्तों यही थी कि इसके आसपास जो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं भी आपको एक्सप्लोर करूँगा, और काफ़ी अच्छी जगह है दोस्तों। आप ये पढ़ सकते हो मोहम्मद कुली खान का मकबरा, और आप ये तो मेरे पीछे जो है ये है शाहकुली खान का मकबरा। और अब मैं आपको बताऊंगा कि अंग्रेज़ों ने इसे अपनी अय्याशी का अड्डा क्यों बनाया था। दोस्तों इस मकबरे को अय्याशी का अड्डा बनाने के सिर्फ तीन ही रीज़न थे अंग्रेज़ों के पास। सबसे पहला कि ये अपने ज़माने में बहुत विशाल हुआ करता था, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हुआ करता था। और दूसरा जो सबसे बड़ा इसका रीज़न है वो है सामने जो है राजाओं की बावड़ी है, आपको दीवार नज़र आ रही होगी, इसके बगल में राजाओं की बावड़ी हुआ करती थी जहाँ पे काफ़ी अच्छी लोकेशन है। और दूसरी तरफ मैं बात करूँ तो इस तरफ है लोधी मकबरा, तो ये दो लोकेशन थी। और इसके साथ साथ एक चीज़ और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जो सबसे बड़ा तीसरा जो रीज़न था दोस्तों वो है कुतुब मीनार। सामने आपको नज़र आ रहा होगा इस कुतुब मीनार के जस्ट ये पीछे है, और काफ़ी बढ़िया लोकेशन है, और इसलिए अंग्रेज़ों ने इसे अपनी अय्याशी का अड्डा बना लिया था। और साथ में ये जो है एक हिस्टोरिकल प्लेस है, अब एक लवर्स प्लेस में ये बदल चुका है, कोई टिकट नहीं है, सब फ्री है। तो चलिए हम आपको इसे चारों तरफ से दिखाते हैं, और काफ़ी अच्छा है ये शाहकुली खान का मकबरा है, और काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, और इसके चारों तरफ बहुत बड़ा पार्क है। तो दोस्तों आप देख सकते हो ये शाहकुली खान का मकबरा है, और काफ़ी बेहतरीन आप में इस पर उर्दू अरबी में लिखे हुए देख सकते हो। सामने आपको कुतुब मीनार नज़र आ रहा है, इसी के जस्ट पीछे है। और मैं आपको इसके जो दूसरी तरफ लेके चलूं तो चारों तरफ पार्क ही पार्क है, ऊपर का गुंबद आज भी इसी तरह मजबूत है। और मैं इसके पार्क आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हो काफ़ी चारों तरफ बहुत बड़ा पार्क है। और दूसरी तरफ लेके चलता हूं मैं आपको इसके, तो आप देख सकते हो। तो गाइस ये जो शाहकुली खान के मकबरे के अंदर के जाने का गेट आप देख सकते हो, और जस्ट इसके पीछे मैं आपको अगर दिखाऊं तो आप देख सकते हो। और इसके पार्क को मैं अगर आपके सामने एक्सप्लोर करूं तो सामने कुतुब मीनार, और जस्ट इसके सामने एक छोटा सा प्यारा सा गुंबद बना हुआ है। और ये जो रास्ता है ये शाहकुली मकबरे के अंदर की तरफ जाता है और वहाँ से आता है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा पार्क है आप देख सकते हो। ये दोस्तों शाहकुली खान के मकबरे का एक गेट ये है, और इसीलिए अंग्रेज़ों ने इसे अपनी अय्याशी का अड्डा बनाया था, क्योंकि चारों तरफ जंगल से घिरा हुआ है और काफ़ी बड़ा एरिया है। और दिखाऊं मैं आपको इसके दूसरी तरफ हिस्से, तो सारे तहस नहस हो चुके हैं इसके बड़े बड़े दरवाजे, आज इसका ये सारा खंडर हो चुका है, तो आप देख सकते हो। और इसमें दूसरी तरफ मैं आपको दिखाऊँ तो आप देखिए ये जो है नीचे जाने का रास्ता है, और एक ये इधर का हिस्सा। ये दोस्तों काफ़ी बेहतरीन और बढ़िया लोकेशन है ये शाहकुली खान का मकबरा, इसीलिए इसे अंग्रेज़ों ने अपना घर बनाया था, क्योंकि इसके बगल में काफ़ी बड़ा मैदान है, और मैदान के साथ साथ यहाँ राजाओं की बावड़ी, लोधी मकबरा और जमाली कमाली मस्जिद सब कुछ इस मकबरे के पास है। अपने समय में काफ़ी अच्छा हुआ करता था, इसीलिए अंग्रेज़ों ने इसे अपना मकबरा बनाया। दोस्तों ये शाहकुली खान के मकबरे के नीचे का हिस्सा है, जिसके अंदर छोटे छोटे कमरे बने हुए हैं, और काफ़ी बेहतरीन ये जगह है। आप देखिए इसके अंदर इस तरह के छोटे छोटे कमरे हैं, ये सारा दब चुका है। और चलिए मैं आपको बाहर से दिखाता हूँ। दोस्तों ये शाहकुली खान के मकबरे का आखिरी सीन है, और आप देख सकते हो काफ़ी बढ़िया और बेहतरीन है ये, और ये इसके चारों तरफ का एरिया।
और ये नीचे जाने का रास्ता।